स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, में हम बात क्या करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। चलिए स्टूडेंट्स, में क्या पढ़ने वाले, आपको अच्छी तरीके से बताएंगे और समझाने का भी प्रयास करें। उससे पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन क्या है कि आप लोग अब यस की एम स्टडी ऐप पर, ठीक है, कहाँ पर, यस की एम स्टडी ऐप पर, ठीक है, तो ऐप पर जा करके वहाँ से कोर्स को परचेज करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, इसमें अति महत्वपूर्ण अति लघुतरी प्रश्न की बात करें जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग जान लीजिए, जो स्टूडेंट्स हमारे नया चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। और आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को हम बताने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। हम आपके लिए लगातार मेहनत करते हैं, क्योंकि आपके जीवन को, आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लगातार तत्पर हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका एक फ़र्ज बनता है कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमसे हमको आपसे बस आपको इसमें सिर्फ 1000 लाइक, ठीक, कितना, 1000 लाइक का टारगेट रखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए आपको इसमें 1000 लाइक करके ही जाना है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे वो बिना लाइक किए जाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए इसमें जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, क्या चीज़ों को इसमें करना है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की बात करेंगे। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से आपका क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र लिखिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र लिखिए, ठीक है। हमें इसका सूत्र लिखना होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो सूत्र होगा इसका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकट स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों के अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो वस्तुएं निकट रखी हैं, ठीक है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकट दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता कहते हैं। यानी कि अगर हम, जैसे कोई वस्तु हम हमारे सामने है, तो उसको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अलग अलग क्षमता से, यानी कहीं पर क्लियर, कहीं पर थोड़ा कम क्लियर, तो इस तरीके से वहाँ पर देखने की जो क्रिया होती है उसे हम विभेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो विभेदन क्षमता बराबर क्या होता है, 1/ विभेदन सीमा। तो यहाँ से देखिए, अगर इसके फार्मूले की बात करेंगे तो 1/1.22 लैम्डा अपान 2 sin α, तो यहाँ से 2 sin α ऊपर चला जाएगा, अपान 1.22 लैम्डा नीचे आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब सूक्ष्मदर्शी की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है 1/λ होती है। क्या होती है, 1/λ होती है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ते रहना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर बने रहना है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, क्षमता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ठीक है। तो छोटी तरंग दैर्ध्य लैम्डा का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताने का प्रयास करते हैं, बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको उन प्रश्नों को पढ़ना होगा जो एग्ज़ाम में आपके बार बार आ रहे हैं, ठीक है, बार बार आ रहे हैं प्रश्न, उनको तो पढ़ा ही रहे हैं हम, साथ साथ जो प्रश्न आपके आने वाले हैं उनके प्रश्न वो भी हम पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कहीं से भी यह ना लगे कि ये प्रश्न आ गए और एग्ज़ाम में हमको नहीं मिला। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ें हम क्लियर करते चलेंगे और आपको बताने का भी प्रयास करते रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं कि आपको उन चीज़ों को दिया जाए जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ आगे अचीवमेंट्स हो सके। तो आपको इस तरीके के प्रश्नों को हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो अगला प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण का हमें समीकरण लिखना है। चलिए उस समीकरण को थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या होता है, कैपिटल ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस
एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है निम्नलिखित है, ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर जो एच होगा हमारा प्लांक नियतांक होगा, और वी क्या होगी आपतित प्रकाश की आवृत्ति होगी, और डब्ल्यू क्या होगा धातु का कार्य फलन, तथा ई के बराबर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है ये आपके लिए डब्ल्यू ई के होती है, ठीक है। ये के मीन्स क्या होता है गतिज ऊर्जा यहाँ होती है, काइनेटिक एनर्जी आप लोग जिसे कहते हैं, और ई क्या होती है हमारी एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी ई के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। तो आप लोग स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हमें अच्छी और चीज़ बताने के लिए हम आगे आए आपके सामने, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बस क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। हमने आपको इसमें बताया कि 1000 लाइक का टारगेट रखा गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर 1000 बच्चे भी हमारे लाइक कर देते हैं तब भी हमको लगेगा कि हमारे बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो इस बात की खुशी होगी कि जो हमारे बच्चे हैं हमारे द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए कूलाम का नियम की बात कर लेते हैं। कूलाम का नियम क्या कहते हैं, हमने कई बार इसका निगमन भी कराया है और आज भी हम इसके बारे में बताते हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा एक प्रश्न और हम यहाँ छोड़ दिए हैं, ऊपर एक प्रश्न है आपका, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको नीचे कूलाम के नियम पे चलते हैं। तो तब तक आप लोग अगर जिसको याद हो कूलाम का नियम वो याद करते रहेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, दे ब्रोगली सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। द्रव्य बौगले सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो द्रव्य बौगले सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। जो गतिमान कण होते हैं यानी गतिमान जो कण होते हैं, आप लोग देखे होंगे धूल जो उड़ते हैं आपके, जैसे आप गाड़ियाँ चलती हैं तो रात में देखते होंगे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, तो वो गतिमान कण होते हैं। तो वो तरंग की भांति देखते होंगे हिलने लगते हैं यानी कि वो चलते हैं, ठीक है। तो उनका जो गति होती है उस समय तरंग की भांति होती है, जैसे आप प्रकाश तरंगों के देखते हैं ना सीधी रेखा में चलते हैं, तो उसी तरीके से उनको भी क्या होती है तरंग होती है। इसी को क्या कहते हैं कण की द्वैतिक प्रकृति कहते हैं। तो कण इतने छोटे हैं वो कि वो हवा में भी तैर रहे हैं, तो उनकी प्रकृति हो गई तरंग की, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए समझना। अब देखिए अगला क्या है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है इसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। कूलाम का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले वैद्युत बल, यानी कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले वैद्युत बल उनके परिणामी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जिसमें कह क्या रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसको अलग अलग थोड़ा करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं। और इसी तरीके से देखिए एक और है हमारा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो समीकरण आपसे, इन दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे मेरे प्यारे फ्रेंड, अगर जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये फार्मूला को रट कर ही जाना है और पढ़कर ही जाना है क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। जो वैद्युत द्विध्रुव क्या है चलिए इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव देखिए क्या है, तो वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के वैद्युत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ थोड़ा हम आपको समझाते हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ हम ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक पर हम रख देते हैं प्लस क्यू, एक पर रख देते हैं माइनस क्यू। अब इस निकाय से अगर हम एक लाइन खींच देते हैं या इस पर कोई कंडक्टर लगा देते हैं जिससे कि हमारा जो आवेश है बहुत तेजी से प्रवाहित हो सके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, क्योंकि इसमें दो ध्रुव बन गए, एक प्लस ध्रुव एक माइनस ध्रुव। तो इसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। बस इसी आपको परिभाषा को याद कर लेना है।
अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, स्थिर वैद्युतिकी गॉस के प्रमेयों को लिखिए। तो हमने गॉस के प्रमेयों को प्रूव भी कराया है और इसको कई चीजें इसके गॉस के प्रमेयों के द्वारा कूलाम के नियम को, ओम के नियम को भी सिद्ध किया है, इस नियम को भी सिद्ध किया, कई बार हमने बताया रखा है। तो आप लोग अगर कमेंट सर्च बार में जाएंगे गॉस के प्रमेय तो हमारा ही वीडियो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं समझना जानना, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो आपके लिए ये जानना समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं, चलिए देखते हैं विशिष्ट आवेश क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं, किसी आवेशित कण पर, कोई कण है जिस पर जो आवेशित है, उपस्थित आवेश तथा उसके द्रव्यमान का जो अनुपात होगा कण का विशिष्ट आवेश लैम्डा कहलाता है। तो यहाँ से जो विशिष्ट आवेश होगा आवेश बटे द्रव्यमान होता है, तो ये आपको याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं। किसी आवेशित कण के भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है, तो देखिए थोड़ा इसको आप बारे में आपको थोड़ा बताते हैं कि जब आवेशित कण पर वैद्युत बल एफ एफ बराबर ई इंटू क्यू की दिशा में डब्ल्यू बराबर एम जी भार के विपरीत हो तथा ई क्यू बराबर एम जी होता है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, पहले एक बार प्रश्न को और बता देते हैं उसके बाद उत्तर को एक बार और बताएंगे, ठीक है। किसी आवेशित कण के भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है, तो संतुलित इस तरीके से करेंगे उस पर जितना बल लगाएंगे उसी दिशा में उतना उस पर भार करेंगे, तब वह जो कण होगा संतुलित होगा और भार के विपरीत हो तथा ई क्यू बराबर एम जी। तो ये आपके लिए अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और हमारे जो SKM स्टडी ऐप है वहाँ पर जुड़ करके आप पेजेस तैयारी जरूर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।